दोस्तों, दुनिया में हर एक इंसान का अपनी लाइफ में कुछ करने या कुछ बनने का एक अलग ही ख्वाब होता है। और कहा जाता है कि दुनिया में वही इंसान बड़े काम करके दिखाता है जो कि बड़े बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है। अब अगर हमारे भारत की बात की जाए तो यहाँ पर भी बहुत से ऐसे लोग देखे गए हैं जिन्होंने ना सिर्फ कुछ बड़ा करने का सपना देखा बल्कि अपने इस सपने को साकार करके भी दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के कुछ मशहूर और सबसे कामयाब एंटरप्रेन्योर्स की, जिन्होंने अपनी मेहनत और अपने काम से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्धि और इज्जत हासिल की। और दोस्तों, आज की हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में भी हम आपको भारत देश के 10 सबसे बड़े और सबसे कामयाब एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए अब इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 पर मौजूद हमारे भारत के सबसे मशहूर बिजनेसमैन में से एक धीरू भाई अंबानी के बारे में। वैसे यह बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि धीरज लाल हीराचंद अंबानी यानी कि धीरू भाई अंबानी हमारे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के पिता और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के फाउंडर हैं। और रिलायंस कंपनी आज कामयाबी की जिन ऊंचाइयों पर है उसका सबसे बड़ा श्रेय धीरू भाई अंबानी को ही जाता है। वैसे यह बात ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन एक समय धीरू भाई अंबानी तीर्थयात्रियों को भजिया बेचने का काम किया करते थे और वह मानते थे कि कोई भी काम छोटा या फिर बड़ा नहीं होता और उन्हें यकीन था कि एक दिन वह कुछ बड़ा जरूर करेंगे। और यही सोच रखने वाले धीरू भाई अंबानी को आज दुनिया उन्हें उनके नाम से जानती है। हालांकि दुर्भाग्य से 6 जुलाई 2002 के दिन 69 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारे इस लिस्ट में नंबर 2 पर मौजूद भारत के एक और बेहद कामयाब और मशहूर एंटरप्रेन्योर जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा यानी कि मिस्टर JRD टाटा के बारे में। दरअसल सन 1904 में फ्रांस के पेरिस शहर में जन्मे JRD टाटा बचपन से ही बहुत होनहार हुआ करते थे और अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने से पहले ही भारत का पहला कॉमर्शियल पायलट बनकर उन्होंने काफी ज्यादा नाम कमा लिया था। इसके अलावा भारत की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी, जिसे कि आज हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। दरअसल सन 1938 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने JRD टाटा ने अपने कार्यकाल के अंदर टाटा की कंपनियों की संख्या 14 से 95 पहुंचा दी थी और आज टाटा के जितने भी मुख्य बिजनेस चल रहे हैं उनकी शुरुआत JRD टाटा ने ही की थी और यही वजह है कि उन्हें भारत के महान बिजनेसमैन में शुमार किया जाता है। लेकिन 29 नवंबर सन 1993 के दिन 89 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। हालांकि उनके बाद अब रतन टाटा टाटा एम्पायर को बखूबी आगे ले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं मोतीलाल ओसवाल के बारे में। बिना सही जानकारी के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब अपने मेहनत के कमाए हुए पैसों को पानी में बहाना हुआ। एक नए इन्वेस्टर को ब्रोकरेज सेविंग की बजाय प्रॉफिट कमाने पर ध्यान देना चाहिए। आज एक नया इन्वेस्टर यह नहीं जानता कि शेयर कब और कैसे खरीदना और बेचना है, इसीलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है और इसी वजह से आप इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनी मोतीलाल ओसवाल में बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और इनका मेंटेनेंस चार्ज भी जीरो है। मोतीलाल ओसवाल 30 से भी ज्यादा सालों से अपने 10 लाख ग्राहकों के लिए काम कर रहा है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके पास पर्सनल स्टॉक एडवाइजर हैं जो हमें बताते हैं कि क्या खरीदना और क्या बेचना है। मोतीलाल ओसवाल भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसके एक ही ऐप में इन्वेस्टर को बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोस और यहां तक कि इनके ऐप की मदद से आप US मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल में आपको 3,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन और 1,000 रुपए का ब्रोकरेज भी मिलेगा, जिसका फायदा आप मोबाइल या कंप्यूटर किसी से भी ट्रेड करके ले सकते हैं। और अकाउंट ओपन करने के लिए सिर्फ आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो दोस्तों, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहां अपना नाम, फोन नंबर और शहर को भरें। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं इस लिस्ट में नंबर 3 पर मौजूद भारत के एक और सबसे कामयाब एंटरप्रेन्योर्स में से एक मिस्टर नागवार रामाराव नारायण मूर्ति यानी कि NR नारायण मूर्ति जी के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि सन 1946 में जन्मे NR नारायण मूर्ति आज भारत के सबसे बड़े और सबसे कामयाब बिजनेसमैन्स में शुमार किए जाते हैं। दरअसल नारायण मूर्ति हमारे देश की सबसे बड़ी IT कंपनी इंफोसिस के कोफाउंडर हैं और यह कंपनी सन 1981 में सिर्फ 7 लोगों के द्वारा ही शुरू की गई थी, जिसमें कि NR नारायण मूर्ति भी शामिल थे।
वैसे आपको बता दें कि इस कंपनी को शुरू करते समय एनआर नारायण मूर्ति जी के पास सिर्फ 10,000 रुपए थे और उन्हीं पैसों से ही उन्होंने इस कंपनी को शुरू किया था। और आज का समय अगर देखा जाए तो उन्हें पूरी दुनिया में फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री जैसे नामों से पुकारा जाता है। खैर दोस्तों, वीडियो में कुछ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारे इस लिस्ट में नंबर 4 पर मौजूद अगले एंटरप्रेन्योर मिस्टर शिव नडार के बारे में। दरअसल सन 1945 में जन्मे शिव नडार वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सन 1976 में भारत की इस समय के सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की शुरुआत की थी। और बताया जाता है कि उस समय उनके पास इस कंपनी को शुरू करने के लिए बहुत कम पैसे हुआ करते थे और इसीलिए यह कंपनी बहुत छोटे स्तर से शुरू की गई थी। और स्टार्टिंग में तो यह कंपनी कैलकुलेटर और पर्सनल कंप्यूटर बेचने का काम किया करती थी, लेकिन शिव नडार लगातार मेहनत करते गए और कंपनी को बड़ा बनाते गए और उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर आईटी कंपनियों में से एक मानी जाती है। और दोस्तों, वीडियो में कुछ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पर मौजूद एक और कामयाब एंटरप्रेन्योर मिस्टर लक्ष्मी निवास मित्तल जी के बारे में। दरअसल 1950 में जन्मे लक्ष्मी निवास मित्तल इस समय भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक होने के साथ ही देश के सबसे अमीर लोगों में भी शुमार किए जाते हैं। वैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अपने पिता के स्टील के बिजनेस में काम करके की थी, लेकिन बाद में परिवार के कुछ निजी कारणों से उन्हें अपने पिता का बिजनेस छोड़कर अपना खुद का अलग बिजनेस शुरू करना पड़ा और तब उन्होंने अपनी खुद की स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू की थी जिसे कि आज आर्सेलर मित्तल के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह कंपनी इस समय दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरर है। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारे इस लिस्ट में नंबर 6 पर मौजूद भारत के एक और प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन घनश्याम दास बिरला जी के बारे में। अब आप सभी लोग भारत की मशहूर कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप के बारे में तो जानते ही होंगे, क्योंकि यह कंपनी इस समय भारत की सबसे बड़ी और सबसे फेमस कंपनियों में शुमार की जाती है। वैसे आपको बता दें कि यह कंपनी आज कामयाबी की जिन ऊंचाइयों पर है उसका सबसे ज्यादा श्रेय घनश्याम दास बिरला जी को ही जाता है। दरअसल सन 1894 में जन्मे घनश्याम दास बिरला जी बिरला परिवार के उन सदस्यों में से एक थे जिन्होंने शुरुआती समय में इस कंपनी की मजबूत नींव बनाने में मेहनत की थी। और कुमार मंगलम बिरला जिनके हाथों में आज इस कंपनी की कमान है वो असल में घनश्याम दास बिरला जी के ही परपोते हैं। हालांकि जीडी बिरला यानी कि घनश्याम दास बिरला ने 11 जून 1983 के दिन 89 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। और दोस्तों, वीडियो में कुछ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारी आज की इस लिस्ट में नंबर 7 पर मौजूद अगले एंटरप्रेन्योर दिलीप सांघवी के बारे में। दरअसल दिलीप सांघवी जी का जन्म सन 1955 में गुजरात के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और उनके पिता जेनेरिक ड्रग्स के होलसेल का बिजनेस किया करते थे। और दिलीप जी ने भी अपने करियर की शुरुआत पिता के काम में हाथ बटाकर की थी। हालांकि उनके सपने काफी बड़े थे जिसके लिए उन्होंने सन 1983 में सिर्फ 10,000 रुपए की पूंजी के साथ अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी शुरू की। और उनकी वही कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज भारत की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में शुमार की जाती है। साथ ही दिलीप सांघवी भी आज भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। खैर दोस्तों, वीडियो में कुछ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं आज की हमारी इस लिस्ट में नंबर 8 पर मौजूद भारत के सबसे प्रसिद्ध बिजनेसमैन में से एक अजीम प्रेम जी के बारे में। दरअसल अजीम प्रेम जी का जन्म सन 1945 में हुआ था और उस समय उनके पिता रिफाइंड ऑयल बनाने का बिजनेस किया करते थे। हालांकि पिता की मृत्यु हो जाने पर सिर्फ 21 साल की उम्र में ही बिजनेस का पूरा भार अजीम प्रेम जी के कंधों पर आ गया था और उस समय सभी लोगों को यह लगा कि इतनी कम उम्र में वह कंपनी को नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन अजीम प्रेम जी बेहद होनहार थे और उन्होंने ना सिर्फ अपने पिता की कंपनी को संभाला बल्कि उसे और भी ऊंचाइयों पर ले गए। और आज उनकी कंपनी विप्रो भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में शुमार की जाती है और अब उनकी इस कंपनी की बागडोर उनके बेटे ऋषभ प्रेम जी संभालते हैं। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारी आज की इस लिस्ट में नंबर 9 पर मौजूद भारत के एक और फेमस एंटरप्रेन्योर मुकेश जगतयानी उर्फ मिक्की के बारे में। दरअसल मुकेश जगतयानी का जन्म सन 1952 में कुवैत शहर के अंदर हुआ था और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई, मुंबई और बैरूत जैसे शहरों में रहकर की थी और फिर उसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए, लेकिन वहां पर किसी निजी कारण से वह एग्जाम नहीं दे पाए
जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। और बताया जाता है कि लंदन में अपना खर्च निकालने के लिए वह टैक्सी चलाने और होटलों में कमरों की सफाई करने का काम किया करते थे। हालांकि पिता के निधन के बाद वह वापस अपने घर बहरीन लौट आए और अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और आज वह दुबई बेस्ड लैंडमार्क ग्रुप नाम की मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हैं। और दोस्तों, वीडियो में कुछ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारी आज की इस लिस्ट में नंबर 10 पर मौजूद भारत के एक और बड़े और सबसे कामयाब बिजनेसमैन में से एक अर्देशिर गोदरेज जी के बारे में। वैसे दोस्तों, यह बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि गोदरेज ग्रुप इस समय हमारे भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार की जाती है। लेकिन हम आपको बता दें कि गोदरेज आज कामयाबी की जिन भी ऊंचाइयों पर है, उसका सबसे बड़ा श्रेय अर्देशिर गोदरेज जी को ही जाता है। दरअसल 1868 में जन्मे अर्देशिर गोदरेज जी ने सन 1897 में अपने भाई पीरोजशा गोदरेज के साथ मिलकर गोदरेज कंपनी की शुरुआत की थी और यह उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि यह कंपनी आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पहचानी जाती है। हालांकि जनवरी 1936 में 68 साल की उम्र में अर्देशिर गोदरेज जी का निधन हो गया था। तो दोस्तों, यह थे भारत के 10 सबसे कामयाब एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया। साथ ही भारत के अर्थव्यवस्था को भी ऊपर लाने में इन्हीं लोगों ने ही मुख्य भूमिका निभाई है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।